खरीदने की चीज़ नहीं है, सुकून खरीद नहीं सकता है कोई आदमी, कितना ही अमीर हो वो सब चीज़ें ला सकता है, खरीद सकता है, ऐसा आराम खरीद सकता है, लेकिन सुकून दिल का नहीं खरीद सकता। सुकून उसको देखिए, अब सुकून के अंदर भी सुकून, जब एक आदमी बहुत कुछ ज़्यादा कमा लेता है, मल्टी मिलियनेयर हो गया, लेकिन उसके बाद वो सुकून नहीं मिलता, तो सुकून तलाशने के क्या आता है, डॉक्टर के पास जाता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाकर पूछता है, भाई अरे सुकून नहीं ज़िंदगी में, सब है, माल है, सब है, औलाद है, बीवी है, बच्चे हैं, सब, एक बच्चा वहाँ है, सबके बिजनेस सेट कर दिया सब, लेकिन फिर सुकून नहीं, तो कहेगा भाई पैसे में सुकून नहीं है, डॉक्टर फिर इसको सलाह देगा, या किसी फलसफे के पास जाएगा तो सलाह देगा, बोले भाई पैसे में सुकून थोड़ी है, बोले कैसे मिलेगा सुकून, बोले मेडिटेशन करो, मेडिटेशन बोले क्या, बोले रोज सुबह सुबह उठो, जाओ समुद्र के किनारे, बगीचे के अंदर जाके बैठो, आंखें बंद करो, ध्यान करो, कहो कि नहीं दुनिया में सब सुकून है, कुछ भी नहीं है, लहरों की आवाज़ों को महसूस करो, कानों में आ रही है, कल 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 की आवाज़ आती है, चिड़ियों की चहचहाट सुनो, दुनिया में कुछ नहीं है, तुम ही हो और तुम सुखी हो, तुम पर कोई टेंशन नहीं है सिवाय तुम्हारे कोई। अब वो मेडिटेशन करता है करता है, उसके बाद में जाता है, अरे वाकई में तुम सुकून मिला, तो सुकून क्या पैसे से मिला उसको। अब ये बताइए, गरीब आदमी, उसने तो सारी ऐशो आराम इसके मिलते, हेलीकॉप्टर उसका पर्सनल खुद का, उससे आता जाता है, लेकिन ये जो अमल जिसको सुकून चाहिए दिल का, तो ये सुकून क्या है, पैसे का है, पैसा लग रहा है इसके अंदर, फ्री है, समुद्र की सिकत हो ही नहीं, किनारे पे बैठना, बगीचा सबके लिए आम है, वहाँ जाकर बैठे, तो ये तो गरीब भी कर सकता है, तो फिर उसको समझ में आता है अमीर आदमी को, अरे यार इससे सुकून है, इस तो गरीब भी कर सकता था, तो इसी के पैसे से खरीदा जा सकता, नहीं खरीदा जा सकता। तो सुकून के लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे कि सब कुछ अपनी रज़ा, और इस्लाम मुसलमान का माना भी यही होता है कि अपनी सारी ख्वाहिश, अपनी रज़ा, अपनी सब कुछ अल्लाह के लिए सुपुर्द कर दे, तो उसको